पारसनाथ पर्वत स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में मोक्ष सप्तमी के अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निर्वाण लड्डू अर्पित किए गए। इस मंगल अवसर पर मंगल पूजा को देखने का मुझे भी मौका मिला। मोक्ष कल्याणक के अवसर पर मैंने भी पर्वत यात्रा की, जिसका अनुभव अद्वितीय रहा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आपका तीर्थ यात्रा ऑनलाइन में स्वागत है। मेरी यात्रा की शुरुआत सुबह 4 बजे मधुबन से हुई। मधुबन में कुछ हलचल तो थी, पर वंदना मार्ग का प्रथम 2 किलोमीटर का क्षेत्र में अंधेरे का साम्राज्य था। अगले कुछ सेकंड के दृश्य में आप भी सन्नाटे को महसूस कर पाएंगे। जब तक उजाला हुआ, मैं लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भाताघर पहुंच चुका था। अब मैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हूँ। मंदिर अस्पष्ट रूप से दिख रहा है। डाक बंगला होते हुए वहां पहुंचना होगा। ये रही भगवान पार्श्वनाथ मंदिर की सीढ़ी, यानी अब मैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुका हूं। यहां का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। हर एक श्रद्धालुओं के चेहरे पर गजब का उत्साह देखा जा सकता है। आइए भगवान, आइए, आओ आओ, बस यही रुक जाओ। मंदिर के अंदर पूजा अर्चना का सिलसिला अनवरत रूप से चल रहा था। चूंकि मैं पूजा वस्त्र में नहीं था, लिहाजा मुझे गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिली। इसलिए जहां तक संभव था आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। मधुबन स्थित बीसपंथी कोठी के मंदिर से भगवान की प्रतिमा को पार्श्वनाथ मंदिर लाकर पूजा किया गया। गाजे बाजे के साथ प्रतिमा लाई गई। हालांकि प्रशासनिक पाबंदियों के कारण इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत कम थी। देवर
मंदिर के बाहर भी लोग जगह जगह पूजा अर्चना करते नजर आए। भक्तगण अपने अपने हिसाब से निर्वाण लाडू व पूजन सामग्री के साथ पहुँचे थे और यह है मंदिर के नीचे गुफा का नज़ारा जहाँ पूजा चल रही है, पूजा जारी है। आप भी भगवान पार्श्वनाथ के चरणों का दर्शन करें। देर तक दर्शन पूजन का दौर चलता रहा। 12 बजे तक प्रतिमा को वापस मधुबन लाया गया और इस तरह सप्तमी पूजा की गई। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।